पर अच्छा दिख रहा है। एक गिरावट के बाद, पिछले पांच दिन की गिरावट के बाद, जिंदल स्टील के अंदर यहां से नीचे से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया ऑफर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 384-384.50 का अभी भाव है, यहां पे सीएमपी पर खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 370-371 के पास है। यहां से मेरे को लगता है जल्दी ही जिंदल स्टील के अंदर 400 रुपए का पहला टारगेट और 410 रुपए का दूसरा टारगेट, ये जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। जेएसपीएल के अंदर 390 वाला कॉल अभी 19 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो ऑप्शंस के जरिए इसके अंदर भी ट्रेड लिया जा सकता है। 15 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 24 रुपए से लेके 28 रुपए तक के टारगेट जेएसपीएल के 390 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 400 और 410 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट और भी ऊपर के देखने को मिलेंगे, खरीदारी करें जेएसपीएल। बीईएमएल इस पर्टिकुलर काउंटर में जिस तरीके से इसने एक स्विंग बनाया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर खुलने के बाद, तो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा स्टॉक में वो लगभग 1950 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो 100-125 पॉइंट्स की यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लियर है, जो आज की ओपनिंग थी अराउंड 1804 के आसपास, तो 1805 का स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1955 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 2050 का। खरीदारी करनी है बीईएमएल में, मुझे लग रहा है काफ़ी क्लासिकल ब्रेकआउट के लिए स्टॉक पोजीशन हो चुका है।